हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो गाइस, अच्छा ही हो गया आप सब। चाय पी लो, खत्म हो गई वैसे, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती ना, मैं दूध पीती हूँ, तो इसलिए खत्म हो गई। कोई इतनी बची वही पी लूंगा। तो गाइस, मैंने कल डाली थी कटहल की वीडियो, कटहल कैसे बनाई ये सब। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आए कि स्वाति जी आप कटहल मत खाना, बाद ही होता है ये सब। सो गाइस, मुझे पता है कि हाँ बाद ही होता है, फैमिली वालों ने, मम्मी ने, सबने मुझे बताया कि बाद ही होता है, पर सब ये कह रहे हैं कि बाद ही हमें वो डेली कुछ चीज़ हम डेली खाएं तो वो हर चीज़ नुकसान करेगी। तो मैं डेली नहीं खा रही हूँ, मैंने कटहल काफ़ी टाइम बाद, मतलब अभी स्टार्टिंग में 2-3 दिन खाया है, काफ़ी टाइम बाद खाया है, अब पता नहीं अब कब खाऊंगी कटहल। तो जो चीज़ डेली खाओ तो वो नुकसान करेगी कटहल, इसलिए मैंने कभी कभार खा रही तो नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाया था। वो सच्ची बताऊँ तो बहुत टेस्टी बना था कटहल, आप लोग भी ट्राई करके जरूर देखना। आप लोगों ने बताया कि आप लोग नहीं बनाया है, आपको आपको ही पता है कैसे बनता है, आई नो सबको पता होगा, पर मैंने अपना डाला कि हमारे यहाँ कैसे बनता है, तो मैंने आपसे वो शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, और मैं डेली वीडियो डालूंगा, डेली मेरी वीडियो को देखना जरूर प्लीज़, थोड़ी देर बकवास सुनना बस, सुनना जरूर प्लीज़। कोई भी अगर 8-10 मिनट आप अपनी लाइफ के खराब कर रहे हो ना, कर दो मेरे लिए प्लीज, 8-10 मिनट ही तो मांग रही हूँ मैं आपके, ज्यादा नहीं मांगती हूँ। सो बस ऐसे ही प्यार देते रहो गाइस। तो ये देखिए गाइस, सुबह सुबह आप मेरी घर के मंदिर, छोटे से मंदिर के दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ जी हैं और बजरंग बली बाबा जी हैं। सो छोटा सा मंदिर है हमारा, उसके दर्शन कर लीजिए, भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और हमेशा खुश रहो। और हमारे मोहल्ले में आज भागवत भी बैठी हुई है, तो 7 दिन भागवत होती रहेगी, तो भगवान जी के सुबह सुबह से गाने सुनने को मिलेंगे, सो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे भागवत बैठी हुई है। तो वो टाइम भी आ रहा है, शिवरात्रि भी आ रही है और नवरात्रि भी आ रही है, होली का टाइम भी आ रहा है, तो अब तो ऐसे चलते रहेगा ना। सो बड़ा मज़े आ रहे हैं। और गाइस हाँ, आज शायद आज माता रानी की कृपा से आज मेरी 1 लाख हो जाएंगी। सो अगर जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक शायद 1 लाख हो भी चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस ऐसे ही प्यार देते रहो, जल्दी से मिलियन भी करवा दो, ताकि मैं ये भी वीडियो बनाऊंगी कि शायद आपको ये वीडियो कल मिलेगी तो मिलियन भी हो गए होंगे। जैसे यार 1 लाख के लिए बोल रही हूँ, तो बस जल्दी से कल 1 लाख हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं 1 लाख के बाद क्या करते हैं, पार्टी यदि कुछ करेंगे देखते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस ये सब लोग मुझसे मिलने आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मिलने आए हो। और अंकुर साथ मिल नहीं पाए क्योंकि अंकुर साथ मैच खेलने गए हैं, इसलिए फिर कभी आएगा, कोई नहीं, हम लोग बाद में मंडे मंडे तक कभी भी आ जाएंगे, अंकुर घर पे ही मिलेंगे, पर संडे को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग भी देख रहे हो तो आप लोग संडे को मत आना, मंडे टू सैटरडे कभी भी आ जाना। तो थैंक यू सो मच आप लोग मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आ गए? नहीं नहीं नहीं, हमें अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, और शाम की गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही, गुड इवनिंग हो रही, शाम के 3 या 3:30 बज रहे हैं, और अभी कुछ सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर नहीं, फैमिली है हमारी, तो वो हमसे मिलने आए थे, अंकुश से भी मिलने आए थे, अंकुश तो मिले नहीं, मैं मिल गई, तो वो हम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वैसे तो इस चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग कोई भी मुझसे मिलने आए तो प्लीज़ गिफ्ट विफ्ट कुछ मत लेकर आइएगा, ऐसे ही आ जाइएगा, मुझे वही अच्छा लगता है। तो वो गिफ्ट लेकर आए हैं, तो देखते हैं खोल के क्या लेके आए हैं, आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है? गिफ्ट लेकर आई हैं दोनों, देखते हैं खोल के। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है गाइस, पर फिर भी अगर लेकर आए हो आप तो थैंक यू सो मच। मेरे को गिफ्ट लेकर आना, मेरे से एक दिन कवर नहीं होता उसको खोलने का, वो बैग स्टॉल, वाओ अच्छी लग रही है, स्टॉल अच्छी लग रही है ना, कलर भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए स्टॉल लेकर आए हो, थैंक यू, मस्त लग रही ना। साड़ी आड़ी की पड़ा है, टोपी है, क्या होगा जल्दी बताओ, फ्रेम होगी, फ्रेम मुझे भी लग रहा है, तुम दोनों की होगी, हम कुछ कर सकते हैं, नहीं इसमें तो कुछ और है, नहीं होगा, फ्रेम 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 फैमिली, थैंक यू सो मच, अभी लेकर आए हो, थैंक यू, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई मिलने आ रहा है, मैं आप सबसे कह रही हूँ, आप लोग मिलने आ रहे हो तो
तो ये सब मत लेके आओ, बस ऐसे ही मिलने चले आओ, बस मुझे वही अच्छा लगता। लव यू। बच चुके हैं, ये देखिए स्वाति पी रही है दूध। वेरी गुड बेटा, दूध पियो, बच्चा हेल्दी होगा एकदम, समझ रहे हो तुम? चाय कम दूध। हाँ तो वेरी गुड, ज्यादा दूध भी नहीं, तुम्हें दूध अच्छा नहीं लगता। स्वाति जैसी दूध पीते स्वाति की सांस फूलने लग जाती है, इसलिए चाय बना के और दूध डाल देती है। वेरी गुड। हे गाइस, तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, कुछ ज्यादा खास इस व्लॉग में नहीं था, बस सब्सक्राइबर मिलने आए थे मुझसे, तो मैंने वही डाला कि वो मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, बस वही शेयर करने में भी अच्छा लगता है। सो गाइस, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप लोग मुझसे मिलने आओ, मुझसे मिलने मना नहीं कर रही हूँ, मुझसे मिलने आओ, बट कुछ लेके मत आना, बस ये मना कर रही हूँ। खाली हाथ आओ, मुझे वही अच्छा लगता है, क्योंकि आप खाली हाथ आओगे ना, बहुत सारी दुआएं लेके आओगे साथ में, बस वही अच्छा लगता है। सो गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, लाइक कर, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू ऑल, जल्दी से एक लाख करवा दो मेरे। बाय बाय, लव यू।